हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लाइव हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे, भैया दिवाली छठ पूजा आ रहा है तो दिवाली मूर्ति का एक ब्लॉग बनाइए। तो फाइनली हम बहुत दिन से सोच रहे थे पटना सिटी कब जाएं, कैसे करके टाइम निकाल के हम आ चुके हैं पटना सिटी में आप लोग के लिए बहुत ही एक प्यारा सा वीडियो लेकर। पीछे आप लोग देख लीजिए, पूरा दिवाली मूर्ति है, लक्ष्मी गणेश जी का पूरा प्रतिमा है, पूरा मूर्ति है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे पूरे बिहार से आदमी आते हैं खरीदारी करने के लिए और बहुत ही चीप रेट में आप लोग को यहाँ पे मूर्ति मिलता है। अगर आप लोग यहाँ से मूर्ति खरीद के लेके जाइएगा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बात किया जाए मूर्ति का, क्या रेट है, क्या प्रोसेस है, कितना आप लोग माल लीजिएगा तो दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा होलसेलिंग का कारोबार चलता है। तो चलिए यहाँ के ओनर से हम मिलते हैं, सारा चीज जानते हैं, आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी बताएंगे, पूरा बारीकी से एड्रेस भी बताएंगे। और फिलहाल अभी हम है पटना सिटी चौक के पास और पूरा एड्रेस हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियो भगा के मत देखिएगा, क्योंकि एक एक मिनट हर चीज इम्पोर्टेंट बात रहेगा। वीडियो आराम से देखिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मूर्ति का हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमारे साथ जो है शॉप के ऑनर, सबसे पहले हेलो सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? बात किया जाए एक तरह से देखा जाए तो हमारा वीडियो जो भी होता है पूरा सिग्नली वीडियो होता है। तो अभी हम फिर आ चुके हैं लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति का वीडियो बनाने के लिए। ये हम नहीं आए हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है कमेंट पे कमेंट कर रहे थे भैया लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति का जल्द से जल्द वीडियो डालिए क्योंकि हम लोग जाके खरीदारी करें। तो उन लोग का प्यार ही है जो हमको पूरा खींचते हुए ला देता है। तो एक तरह से देखा जाए हर साल की भांति इस साल किस तरह का मूर्ति मतलब कलेक्शन लाए हुए हैं? ऐसा है कि यहाँ बिहार के लोग अपना बिहार को छोड़ करके यूपी जाने लगे। यूपी में कहाँ? सुनार। तो कहने का मतलब है कि अब सुनार जो जाते हैं क्यों जाते हैं? इसलिए कि वहाँ चीप मिलेगा? नहीं, वहाँ यहाँ से महंगा मिलता है। कि सुनार में इसका 8 रुपया दाम है, हम 6 रुपया में यहाँ बेच रहे हैं। 100% 8 रुपया लेगा? 100% 8 रुपया लेगा, क्योंकि आप लोग पूरा घूम के आए हुए हैं। 6 रुपया में हम देते हैं कोई भी मूर्ति आप चुनार के में, ये मूर्ति वहाँ मिलेगा कम से कम 20 रुपया में। अच्छा, हम यहाँ 15 रुपया में बेचते हैं। तो ये आपको कैसे पता चुनार में ये चीज मतलब? हम चुनार रहते हैं, 1 महीना रहते हैं वहाँ। अच्छा। का ठेला देखते हैं, वहाँ भीड़ लगता है। अच्छा, जो मन में हुआ वो रेट लिया, लिखाया ये वाला कर दिया, दूसरा कस्टमर वहाँ से जब लेके आ जाएगा तो फिर लौटाने तो नहीं जाएगा, फिर उतना उसका ट्रांसपोर्ट लग जाएगा। कि जब भी खुलेगा कार्टून तो खुलेगा मतलब जब दीपावली आएगा उसके मान लिया बेचने का समय होता है 2-3 दिन पहले खुलेगा, यही ना? लेकिन उस दिन तो रखा हुआ रहेगा, जब कस्टमर खोलता है अरे हम लिखाए थे ये वाला दे दिया ये वाला, फिर बिहार से फिर यूपी ले जाना, फिर बिहार से यूपी ले जाना। तो कहने का मतलब हमको ये कहना है कि मेरे भाई बंधु अगर चुनार के रेट में ही माल चाहिए तो मेरे यहाँ आइए, आप आगे कम से कम ट्राई करिए। आप लोग आइए, यहाँ से तमाम तरह का कलेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे बंगाल का मूर्ति, चुनार का मूर्ति, सब जगह का मिल जाएगा। नहीं हाँ, मान लिया कि हम इस बार कम मंगाए थे कि मार्केट पोजीशन बहुत ढीला, बहुत ढीला, बहुत ढीला, तो हम थोड़ा डरे हुए थे, हमारा मन उत्सुका था कि सब ग्राहक जा रहे हैं बिहार, तो बिहार पहला चुनारे से खरीदे, हम बंद कर रहे थे धंधा को। फिर हमारा सब बोला कि भाई काम हमसे 10 आदमी परिवार जीता है 15 दिन के लिए सही, लेकिन उसको हम तनख्वाह देते हैं, उससे बेचारा खुशी खुशी अपना घर जा, चुनार के भी आदमी आया हुआ जाके उधर थोड़ा सा घुमाए, चुनार के आदमी है, अगर चुनार में बढ़िया चुनार में मिलता तो। चुनार से बिहार क्यों आए? चुनार का है, वहां से यहाँ क्यों आए? हम लोग यहाँ कमाने के लिए आते हैं, वहाँ पे भी तो बहुत सारा दुकान है, तो वहाँ भी तो कमा सकते हैं सर। तो यहाँ पर हम लोग को अंकल जी के यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छा, ठीक है। क्यों आते हैं वहाँ? चुनार में पैसा नहीं मिलता है? नहीं, वहाँ पर पैसा नहीं मिलता है अंकल जी। ना पैसा मिलता वहाँ? वहाँ पर हम अंकल जी वही लमसम 250 मिलता है। 250 नहीं, 300 मांग के चलो, 3.5 मांग के चलो। हम खुद के इस समय चुनार में 8 घंटे के 500 तुमको ना मिलता है, तुम भेंट करीगर है, लेबर क्लास का कितना पेमेंट है ये बताओ? 200 से ऊपर नहीं है, तब नया में जाएंगे। आपको कितना मिल रहा है? आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो मेहनत आना मिलता है ना जी अंकल? कितना मिलता है बताइए? 750 रुपये। अब बताइए लाइव रिजल्ट, अब हम इससे बड़ा बात क्या बोले? तो ये रहा स्टाफ लोग का बात, लेकिन हम आए हैं मूर्ति दिखाने के लिए।
तो बात किया जाए मूर्ति में किस किस टाइप का कलेक्शन है बताना चाहिएगा सर। 5 रुपया से लेके 100 रुपया तक है, यानी स्टार्टिंग 5 रुपया। तो जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ते जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम पिछले साल भी पूछे थे ये नंबर और नाम क्या है, हम तो समझ नहीं रहे। नंबर और नाम चुनार में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, सिर्फ मेरे यहाँ मिलेगा। अच्छा, चुनार में तो ऐसे रखा हुआ रहेगा, यहाँ रखा हुआ है डंडा, आप दिखा लाओ डंडा, लाओ तो बाबू आप वहाँ खड़ा होकर माल लिखाइएगा तो क्या करेगा, आप रखिएगा डंडा यहाँ। हाँ, ये वाला लिखिए। हाँ, 5 गो तब तक आप, तब तक यो लिख देगा, यो लिख देगा, 3-4 गो लिख देगा जिससे लगाते हैं। और 7 बजे सुबह आइए, 7 बजे सुबह से 9 बजे रात तक। 9 बजे रात तक लगभग हमारे ख्याल से जितना भी आप माल मंगाए हुए, बहुत सारा माल वहाँ पे भी बाहर में भी रखा गया, सब 10 या 15 दिन में सब सेल हो जाएगा। नहीं देखिए, अब भगवान की कृपा, मतलब आपका बहुत सारे दुकानदार तो आपका विश्वसनीय भी होंगे, ऐसा थोड़ी वो तो जो विश्वसनीय है वो तो आपके पास आएंगे। मेरा जो कस्टमर भी यही है। तो सीधी सी बात है, तो सब तो माल निकल जाना चाहिए। और आपका पुराना दुकान है, थोड़ा एक एग्जिट एड्रेस बता दीजिए जो न्यू व्यूअर भी देखे। कचौड़ी गली, पटना सिटी। आप अगर सिटी चौक से आ रहे हैं तो सिटी चौक से आइए तो थोड़ा दूर आने के बाद गुरुद्वारा से पहले दाहिनी गली। अच्छा, अगर गुरुद्वारा के तरफ से आ रहे हैं तो चौक से पहले बाएं गली। अच्छा, केसरिया कचौड़ी गली के नाम से फेमस है। चलिए, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए जो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। 9934673878। आप बता रहे थे 5 रुपया से 100 रुपया तक का मूर्ति आपके पास है। 5 रुपया वाला कौन सा है बताना चाहिएगा। तो 5 रुपया का आप लोग देख लीजिए, कोई दाम छुपाया भी नहीं गया है, सामने लिखा गया है 5 रुपया। तो 5 रुपया, 7 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, यानी हर तरह का यहाँ पे माल है। नहीं, 35 रुपया, 25 रुपया, सब दाम आप खुलेआम लिखे हुए हैं। 10, 15, 20, इसलिए कि हम इसलिए लिखते हैं दाम की कस्टमर को सुविधा हो। वहाँ आपको ऐसा करके उठाने नहीं देगा, मेरे यहाँ उठा करके देनी पट, मैंने नीचे गिरता है, फिर उसको डेली हम सरियाते हैं। अच्छा, लेकिन रेट जो है वही रहता है, सामने है। तो विश्वसनीय दुकान है, रेट पूरा खुलेआम है। आप लोग आइए, खरीदारी कीजिए, एड्रेस बता दिए, मोबाइल नंबर बता दिए, तमाम तरह का मूर्ति है। और आप लोग यहाँ पे आइएगा, पूरा बारीकी से समझाएंगे, पूरा बारीकी से क्वालिटी दिखाएंगे। और आप लोग मान लीजिए एक दुकानदार आएंगे तो कितना, मतलब क्या कितना कार्टून लेंगे तो ले जा सकते। वो 2 पीस मांगेंगे तो 2 पीस दे देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब बेचना तो है हमको। अच्छा, हमको बेचना है इसलिए कि भाई धंधा है 8-10 दिन का, अगर नहीं बिका तो हम फंस गए। खरीदारी कीजिए और आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सीधी सी बात है, आप लोग बिहार के हैं तो बिहार के भी होलसेलर लोग के पास आइए, यहाँ से माल खरीदारी कीजिए। आप लोग को सारा चीज बचेगा, हरानी परेशानी ट्रांसपोर्ट चार्ज सारा चीज बचेगा, और रेट भी सेम वही देते हैं लोग, तो उतना दूर जाने का क्या जरूरत है। आप लोग आइए, माल खरीदारी कीजिए और फिर अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।